जो है ये ग्राम कुरकुरिया की मामला है। जो पेड़ कटा है या जिसके चलते विवाद चल रहा है, उस पेड़ को रोकने के लिए पूर्व में ही आरोपी जो काट रहा था उसकी जानकारी हमने चौकी में दिया था, और चौकी से नाका साहब आ करके उनको घर जा करके उस पेड़ को मत काटिएगा ऐसा उन्होंने मना किया था, रोका था। फिर भी आरोपी के द्वारा जो है 1.5 महीने के बाद दोबारा जो है जा करके उस पेड़ का कटाई जब करने लगा, तो हमने वहाँ पर गांव वालों के साथ समिति अध्यक्ष के साथ पहुँचे और पूछे कि आप जो है इस पेड़ का कटाई कैसे कर रहे हैं, इसको मत काटिए, ये नहीं मरा है। तो जिंदा पेड़ अधमरा पेड़ को डगाल जो है सूखा हुआ था, जिसको उन्होंने कहा कि मर गया है, मैं इसको काटूँगा और जो है नाका को बताना है, दरोगा को बताना है, जाओ तुम बता दो कि गोपाल पटेल कटवा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने धमकाते रहा। तब जो है हमने पंडरापाट चौकी में संपर्क किया और वहाँ संपर्क करने के बाद तत्काल मौके पर जो है नाका और जो है दरोगा साहब आए, और उनके आने पर भी आरोपी के द्वारा उनके रहने पर रहते हुए भी उस पेड़ पे धनादन जो है अपना टांगा कुल्हाड़ी के द्वारा वार करते रहा और काट के जो है गिरा दिया गया। इसके बाद जो है दरोगा साहब के द्वारा कहा गया कि इस पेड़ का जलाव लकड़ी जो है गोपाल यादव को दिया जाएगा और बाकी आधे को जो है हम अपना ले जाएंगे डिपो में। इस प्रकार से कह करके और लकड़ी को जो है जलाव लकड़ी को उन्हीं को ले जाने के लिए सौंप दिया गया और बाकी आधे लकड़ी को कटवा करके पंडरापाट ले गया गया। इस प्रकार की कार्रवाई से हम ग्रामवासी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जब जलाव लकड़ी का बात था तो जलाव लकड़ी जंगल में बहुत सारे कीड़े पड़े सड़े हुए हैं, उन्हें ले आना चाहिए था। और अधमरे पेड़ को जो कई साल का बहुत बड़ा मोटा पुराना है, जिसको जलाव के नाम से काटना हमारे हिसाब से सही नहीं है और ये गलत है। तो इस प्रकार की यदि रवैया रहे तो आने वाला समय में हमारे वनों की स्थिति क्या होगी, इसको यह जो है